अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं टाइम 11 बज रहे हैं, 11:10 हो चुका है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और दोनों ही बच्चे आज स्कूल नहीं गए क्योंकि दोनों को ही फीवर है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी उठे भी नहीं है। शायद एक आतिफ ही उठा है बस, तो बस उसे अब नाश्ता कराना है। और अपने हस्बैंड के लिए मैं ओट्स बनाने जा रही हूँ, तो आप में से अगर कोई ओट्स खाता है तो वो देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ओट्स बना रही हूँ। और मैंने भी बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 63 हो गया है मेरा वेट, और मुझे कम करना है अपना वेट क्योंकि अभी मेरी कज़न सिस्टर की वेडिंग है कुछ दिनों में, 15-20 दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि उस टाइम तक ना मेरा वेट थोड़ा सा कम हो जाए, ज़्यादा नहीं तो 60 हो जाए, 58 समथिंग, बस उतना ही मुझे करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ, ड्रिंक भी ले रही हूँ, मॉर्निंग ड्रिंक, और इससे पहले मैंने शेयर किया था हनी वाला ड्रिंक मैं लेती थी, तो अभी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने रूटीन में, तो वो जितने भी चेंजेस किए हैं वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी क्योंकि आपको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए अगर आप भी अपना वेट थोड़ा सा लूज़ करना चाहते हैं। तो कुछ चेंजेस है, वॉक भी मैं कर रही हूँ, पहले तो मैं एक्सरसाइज करती थी, तो अभी मैं शाम में एक्सरसाइज करती हूँ और सुबह मैं वॉक कर रही हूँ, तो बहुत सारी चेंजेस किए हैं मैंने अपनी रूटीन में, तो वो सब चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी जल्दी से। तो अभी जल्दी से चलते हैं, ओट्स बनाने बहुत ज़्यादा ईजी और हेल्दी रेसिपी है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे मैं ओट्स बहुत कम खाती हूँ, और खाती हूँ तो उसका चीला मैं खाती हूँ, ऐसे मैं नहीं खा पाती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो अभी कैसे बनाती हूँ मैं, चलिए देखते हैं। तो ये एक पैकेट मैंने लिया है ओट्स का, उल्टा हो गया, ये सफोला मसाला ओट्स है, एनी टाइम स्नैक लिखा हुआ है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं लगता, बस वाटर इसमें ऐड करना है और ये अपने आप ही डन हो जाएगा। और ये पैकेट मैं छोटा इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि एक अंदाज़ा हो जाता है कि आप एक पैकेट निकालो और बना लो, तो चलिए बनाते हैं। एक पैकेट ओट्स था तो मैंने हाफ ग्लास वाटर ऐड किया है इसमें, और अब ओट्स भी मैं ऐड कर दूंगी, तो ये मसाला ओट्स है तो कुछ और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, नमक भी नहीं डालना है यहाँ पे, और बस चम्मच हिलाते रहना है, तो थोड़ी देर में ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल थिक हो जानी है और ये बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाएगा, तो आप समझ जाएँ कि वो बन गया है, रेडी हो गया है। तो जिन लोग ये खाते हैं ना उन्हें पता होगा इसका टेस्ट कैसा है, तो अच्छा होता है, बस मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हेल्दी बहुत है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और मैं इसे खाती ज़रूर हूँ लेकिन दूसरे वे में मैं इसे खाती हूँ, ऐसे मुझे नहीं खिलाता, तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा फिर मैंने और ऐड कर दिया, तो फिर ये बन के रेडी। ये देखिए ये ओट्स बन गया है, बहुत जल्दी बन जाता है, 2 ही मिनट लगते होंगे मुश्किल से। अब मैं इसे दे के आती हूँ अपने हस्बैंड को, इनको मैंने नाश्ता दे दिया है, और अब मैं यहाँ पे लौंग वाला पानी बना रही हूँ आतिफ के लिए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कफ हो गया है और वो बात नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो उसके लिए मैं लौंग वाला पानी बना रही हूँ। मैंने 4-5 लौंग डाले हैं और काली मिर्च भी डाला है, और इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे और उसके बाद फिर इसे ठंडा करके या फिर हल्का सा गुनगुना करके यूज़ करेंगे। ओट्स भी मैंने दे दिया है अपने हस्बैंड को, और अब है क्लीनिंग की बारी, बहुत ज़्यादा पूरा घर जो है फैला हुआ है, हर तरफ कहीं भी सफाई नहीं दिख रही है, और अभी तक दीदी भी नहीं आई है, और वो आती भी है तो वो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग का काम है या क्लीनिंग का काम है ना वो हम लोग ही करते हैं, तो वही अब मैं शुरू कर रही हूँ, जल्दी से क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद आतिफ फ्रेश हो जाएगा तो उसे फिर उसे भी ब्रेकफास्ट दूंगी, आज बहुत लेट उठा है वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो, और सारू तो अभी उठा ही नहीं है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, तो ये वाला एरिया अभी मैंने क्लीनिंग की है इस एरिया की, अच्छे से मैंने पोछा ओछा लगा दिया है यहाँ पे, सब डब्बों को मैंने साफ किया अच्छे से। और माइक्रोवेव अगर होना तो ईजी तो बहुत हो जाता है, लेकिन ख्याल भी वैसे ही रखना पड़ता है, हर 2-3 दिनों में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होता है माइक्रोवेव, तो उसे भी मैंने अभी अच्छे से क्लीनिंग की है,
डीप क्लीनिंग तो नहीं किया है, बट ऊपर ऊपर से अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर पे, तो ये एरिया ना बहुत जल्दी गंदा होता है। जो चीज़ किचन में समझ नहीं आती ना कहाँ रखे, तो हम लोग यहीं पे रख देते हैं इस एरिया में, तो ये एरिया बहुत जल्दी जल्दी क्लीन करना होता है। तो बस मैं जल्दी से ऊपर ऊपर से क्लीनिंग कर लूँगी, और उसके बाद फिर ऊपर का भी काम है। आतिफ किस जॉब ब्रश करनी, जाओ ब्रश करने, बहुत देर हो चुकी है बेटा, आप चलो। इसका मन ही नहीं कर रहा है आज कुछ भी करने का। नहीं तो ऐसा नहीं है, वो एक बार में ही उठ के अपना सारा काम वो कर लेता है, पर आज उसका मन नहीं हो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अभी वैसे वेदर चेंज हुआ है ना, तो फिर सबको ही ऐसा हो रहा है। देखिए ये भी आज स्कूल नहीं गई है, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो गई है इसे। आज सिर्फ अदीत स्कूल गया है जो सबसे छोटा है हमारे घर पे, और आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला ये लौंग वाला पानी भी रेडी हो गया है। और अगर आपके घर में भी बच्चों को या बड़ों को किसी को इस तरह से कफ स्नीज है ना, तो आप इसे दे सकते हैं, इससे बहुत आराम मिलता है। और ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था इसके बारे में कल, तो इसलिए मैंने आज इसे किया है। अब मैं इसे पहले आतिफ को दे दूँगी। अब यहाँ पे आतिफ का नाश्ता है ये, और मैं जब लेके आई हॉल पे तो वो टीवी देख रहा था, और बिल्कुल भी उसकी हालत ठीक नहीं है। और ये सुनो चंदा है, और ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं भी उसके साथ देख रही हूँ। अब आतिफ का भी नाश्ता यहाँ पे रेडी है, और वो मुझे कह रहा है कि मैं उसे खिलाऊं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो मुझसे कहता है कि मैं उसे खिलाऊं, तो बस अभी मैं उसे खिला दूंगी उसका नाश्ता। अब यहाँ पे हम लोग सब लोग टेरेस पे आ गए थे क्योंकि टाइम था लंच में, तो हम लोग बुक्स भी ले आए थे बच्चों की, और साथ में पढ़ाई भी हो रही थी, और अच्छा भी लग रहा था थोड़ा सा धूप में, क्योंकि विंटर में हम लोग ना इस तरह से आ ही जाते हैं नहा के, तो कभी बाल सुखाना होता है, तो कभी सब्जियां भी हम लोग ले आते हैं साथ में, सब्जियां भी सुधर जाती है, और या फिर पढ़ाई हो जाती है तो अच्छा लगता है। फिर धूप ना वैसे थोड़ी ही देर के लिए अच्छी लगती है, और उसके बाद ना ऐसा लगता है कि बस जहाँ पे छाँव है ना वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो हम किनारे में आके बैठ गए थे, और यहाँ पे पढ़ाई चल रही है जारून की, और आतिफ जारून सबके ही एग्ज़ाम्स जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं 6 दिसंबर को, और चलते ही रहते हैं हर मंथ। अभी जो है पीरियोडिक थर्ड है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही है। अब यहाँ पे उसी डे में ना रात की ये क्लिप है, और यहाँ पे डिनर कर रहे थे बच्चे लोग, तो सब ना शौक से खा लेते हैं कोई ना कोई सब्जियाँ, सबकी पसंद की है। बट जारून एक ऐसा बच्चा है जिसे कोई भी सब्जियाँ पसंद नहीं आती, तो आज ना मैंने डैडी को बोला कि आप इसे बैठाओ और इसको सिखाओ कि सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट कैसा होता है जब तक वो खाएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो अपने दादू की बात ना मान लेता है वो, उनसे डरता भी है और बहुत प्यार भी करता है। और ये चारों ही बच्चे ना उनसे डरते भी हैं टाइम टाइम से, लेकिन उनके ही पास ये चारों बच्चे ना हमेशा रहते हैं, तो उनकी बात मान के ना वो फिर खाने लग गया। बस उसी दिन उसने टेस्ट किया, फिर अगले दिन से फिर उसका वही हाल था। इसके बाद ना मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगेन हेल्दी रेसिपी है, और वो रेसिपी है मटर की, जो सूखा मटर आता है ना गुलाबी वाला, जो अक्सर चाट के ठेले में हम देखते हैं ना, जिसे देख के मुंह में बिल्कुल पानी आ जाता है, वही वाला मैं बनाऊंगी, और बिल्कुल सेम बना था। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लगना है और कितना कुछ लगना है। तो ये मटर मैंने ना आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, तो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मैं वैसे भी अंदाजे से लेती हूँ। तो अब चलते हैं मसाले की तरफ। प्याज मैंने ली थी 2 मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इमली मैंने भिगा के रखी है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, और धनिया पत्ती है, हरी मिर्च है 3, और करी लीव्स है, और टमाटर मैंने 3 लिए थे मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला, पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, उसके बाद फिर ज़ीरा और ये करी लीव्स डाल के मैंने तड़का दिया,
और उसके बाद सारे मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं उसे मैंने ऐड कर दिए, और उसके बाद फिर मैंने बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए, जैसे कि लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला, जो भी आप अपने हिसाब से भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का फिर मैंने मसाला बना लिया था और उसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। जब सारे मसाले अच्छे से भुन गए, मिक्स हो गए एक दूसरे में ना, तो उसके बाद फिर मैंने ये मटर उसमें ऐड कर दिया, और फिर इसे भी थोड़ी देर हमें अच्छे से भून लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं, नमक है, सब जो है ना मटर के अंदर अच्छे से चला जाए। इमली जो मैंने भिगा के रखी थी ना उसे अच्छे से मैश कर लिया था, तो वो भी अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। जब ये सारा काम हो जाए ना, तो अब हमें इसे कुकर में डाल देना है और उसके बाद सीटी लगा देनी है। और ये मटर जो है ना कहीं कर के ना सॉफ्ट नहीं होता, मतलब कि कुक नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा इसे टाइम लगता है। तो प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। मैंने तो जब इसे लगाया था सीटी तो 20 मिनट्स तो लग ही गए थे, शायद और भी मुझे देना पड़ा था एक दो बार, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है इसमें फिर। और मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है कुकर में, और यहाँ पे फिर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा ना ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया था, तो दोनों ही मिक्स थे एक चम्मच भर के। तो इतना ज़्यादा गरम मसाला ना डालें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। अब लास्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपको नहीं भूलना है, बहुत सारा हमें धनिया डालना है इसमें, धनिया पत्ती डालना है, तो इससे जो है ना बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, प्लस फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। सीटी लगाने से पहले ना इसमें वाटर ज़रूर ऐड करना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना इसे कुक होने में, तो वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये अच्छे से कुक हो गया है, और अब मैं इसे फिर से निकाल लूँगी एक बोल में, और मैंने इसे रोटी के साथ खाया था, और ऊपर से मैंने ना थोड़ा सा प्याज और टमाटर कट करके डाल दिया था, तो बहुत ही ऑसम लग रहा था। तो प्लीज़ ट्राई करके देखना और बताना ज़रूर। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।